देश की दिशा और दशा। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। क्षेत्र के मतदाताओं का क्या है रिझानिया जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची अर्जुनी। देखते हैं चाय की चौपाल की टीम की खबर अर्जुनी से। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। हम अभी पहुंचे हैं अर्जुनी। यहां पे हमारी चाय की चौपाल की पूरी टीम पहुंची है अर्जुनी, और इस चाय की चौपाल की टीम के माध्यम से हम लोगों से लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसके मद्देनजर दोनों जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके बारे में प्रतिक्रियाएं जानेंगे कि कौन मारेगा बाजी और किसकी होगी हार। तो हमारे साथ यहाँ पे कुमार सर मौजूद है, ये बताएंगे हमें कि इस एरिया में किसका परचम लहरा सकता है। इस एरिया में सबसे पहले तो आप वोट करेंगे? हाँ, वोट तो करूँगा मैं। करेंगे। और एक चीज़ कि जो नई युवा पीढ़ी है जो पहली बार वोट करने वाली है, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जरूर संदेश देना चाहेंगे। नवी पीढ़ी जो है और उनको पिछले 2014 के इलेक्शन में रोज़गार देने का जो वादा किया था मोदी जी ने, वो पूरा नहीं हुआ, और उस वजह से जवान लोग जो है, युवा लोग जो है बेरोज़गार है। और अभी नवी पीढ़ी के जो पहली बार जो वोट करेंगे वो भी उनको भी जो है रोज़गार की आवश्यकता है। और उनको ये हम संदेश देना चाहते हैं कि राहुल जी ने अभी बेरोज़गार लोगों के लिए और एक स्कीम निकाली है और बताया है, तो उस हिसाब से रोज़गार की संधि उनको उपलब्ध है, और इसी वजह से वे सब राष्ट्रवादी कांग्रेस के घड़ी चिन्ह पे मोहर लगाए, ऐसी संदेश हम दे रहे हैं। जी सर, आप ये संदेश जब दे रहे हैं तो एक और सवाल आपके ऊपर दागूंगी मैं, वो ये कि ये जो एरिया है यहाँ पर एक फैक्ट्री है, वो है नेचर्स ग्रोथ की, शक्कर का कारखाना था वो, जो प्रफुल्ल पटेल के वक्त में यहाँ पे आया था, उन्होंने लाया था, पर वो 3 साल चला और उसके बाद बंद हो गया। यानी जब उनकी सरकार शुरू हुई तब वो शुरू हुआ और जैसे वो गिरे वैसे वो बंद हो गया, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अपने इस एरिया में मुख्यतः धान की फसल होती है, और उस हिसाब से यहाँ पानी की किल्लत तो बहुत ज़्यादा है, और उसी वजह से वो फैक्ट्री बंद की गई होगी। और नहीं, पर सर, जब हमने अभी किसानों के साथ बात की है, उस एरिया के लोगों के साथ की है, युवा लोगों से बात की है, तो उनका कहना ये है कि जब ये फैक्ट्री चालू हुई तब उन्हें स्पेशली ये कहा गया कि आप गन्ने की खेतियाँ कीजिए। उन्होंने गन्ने की खेती करना शुरू भी किया, और यहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो मिट्टी है उसमें यह है कि उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, तो उस वजह से उस फसल का जो उपजाऊपन था वो भी ज़्यादा था। पर स्टार्टिंग में उन्हें जब ये प्रफुल्ल पटेल के अंडर में थी फैक्ट्री, तब उन्हें बराबर मुआवजा मिलता गया, और जब ये ठेकेदार के अंडर में गई तो उसके बाद से उनका जो पेमेंट 15 दिन में होता था वो 2-2, 3-3 महीने में होने लगा, यानी डीले होने लगा। इवन कुछ काश्तकारों का तो कहना ये भी है कि उन्हें अब तक पैसा नहीं मिला। इस पर क्या कहेंगे आप? फैक्ट्री के बारे में तो मुझे आप जैसे बता रहे हैं कि ठेकेदार के अंडर में जब गई, तो ठेकेदार के अंडर में तो नहीं गई होगी, शायद उन्होंने दूसरे को बेच, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे उस गांव के लोगों ने कहा है। नहीं, ठेकेदार तो कोई रहा नहीं होगा, ठेकेदारी पे तो कोई ऐसी फैक्ट्री चलती नहीं है। एक तो कोऑपरेटिव सेक्टर से चलती है या पर्सनल इससे चलती है, लेकिन पानी की कमी की वजह से शायद बंद कर दी गई होगी फैक्ट्री। और सर, क्या प्रफुल्ल पटेल को पहले नहीं पता था कि यहाँ पे पानी की किल्लत है? तो जब उन्हें पता था तो फिर उन्होंने ये प्रोजेक्ट यहाँ लाने के बारे में सोचा क्यों? प्रफुल्ल पटेल ने लाया है ऐसा आपका कहना है? उन्होंने ही लाया है सर। चल, उन्हीं की फैक्ट्री, उन्हीं की फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा, तो प्रोडक्शन कम होता होगा और उस हिसाब से जो है कि फसल उतनी आती नहीं होगी। नहीं सर, पर एक और चीज़ सर, जब ये चुनाव शुरू हुआ था, जब वो जीत कर आए थे, तब उन्होंने ये भी कहा था कि वहाँ के स्थानिक लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, पर आज जो हमने सर्वे किया, देखिए शुगर फैक्ट्री में ऐसी बहुत ज़्यादा तादाद में जो रोज़गार उपलब्ध नहीं होता है, सारा काम ऑटोमेटिक होता है वहाँ पर, और बहुत कम ही रोज़गार उपलब्ध होता है, ऐसा मेरा कहना है। और उसके बदले कोई दूसरे रोज़गार के लिए, जैसे प्रफुल्ल जी ने बेल का जो ये लाया था,
वो भी तो बंद पड़ा है। बंद पड़ा नहीं है, बीस जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद उसमें जो डेवलपमेंट करना था तो ये मोदी सरकार ने 5 साल में तो कुछ किया नहीं है। नहीं सर, बट वो राज्यसभा में सांसद है फिर भी वो प्रोजेक्ट नहीं शुरू है। यानी आप ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं राष्ट्रवादी के खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आप सत्ता में हैं तो आपका एक वर्चस्व होना चाहिए आपके विभाग के लिए कि राज्यसभा में वो सदस्य है लेकिन विपक्ष के है, तो विपक्ष के जो सदस्य है वो अपनी डिमांड तो कर सकते हैं, बट फुलफिल करना जो होता है वो सत्ता का काम होता है। अब सत्ताधारी लोगों ने तो उस पर कुछ ध्यान दिया नहीं है, इसी वजह से वो बंद पड़ा हुआ है और बेरोजगारों को रोजगार मिला नहीं है, तो ये सब बातें हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मोदी सरकार द्वारा नहीं किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी सरकार द्वारा ही नहीं किया गया, ऐसा मेरा मानना है। और सर ये जो शक्कर की फैक्ट्री जो बंद हुई, इसमें गांव के लोगों का कहना ये है कि शायद प्रफुल्ल पटेल या भाई जी हमसे नाराज हो गए इसलिए उन्होंने फैक्ट्री बंद कर। ऐसा तो होता नहीं है कि नाराजगी की वजह से कोई अपना धंधा थोड़ी ना बंद कर देता है। हाँ, जब इतने इससे उन्होंने जब चालू किए तो उसमें प्रॉफिट लॉस भी देखे होंगे उन्होंने, उसी हिसाब से बंद किए होंगे। ऐसा तो आपको ऐसा लगता है कि इस विभाग से राष्ट्रवादी कांग्रेस आनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रवादी कांग्रेस ही चुन के आएगी, चुन के आएगी। आप क्या सोचते हैं, 11 तारीख को लोकसभा के चुनाव है तो उसके मद्देनजर आपकी क्या, यानी आपका जो उम्मीदवार होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए? वैसे तो प्रफुल्ल भाई जैसे उम्मीदवार होना चाहिए जी। लेकिन प्रफुल्ल भाई अभी सांसद है राज्यसभा के, नहीं तो वही खड़े रहते, लेकिन उन्होंने एक दूसरा आदमी यहाँ दिया है, वो भी राज्य मंत्री करके यहाँ उन्होंने काम किया, भंडारा गोंदिया जिले का पालक मंत्री करके काम किया है, और वो भी प्रफुल्ल भाई के मार्गदर्शन में ये जिले के विकास के लिए सर्वांगीण काम करेंगे। क्या सोचते हैं इलेक्शन के बाद? ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस आना चाहिए। क्या सोचते हैं सर इलेक्शन से? कांग्रेस राष्ट्रवादी की कांग्रेस आना ही चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस आने को। वोटिंग करेंगे? वोटिंग तो मैं वंचित बहुजन आघाड़ी को करने वाला हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी को करेंगे, क्यों? कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर? कांग्रेस यानी बीजेपी, वो दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, तो हमको कोई नया चुनना है, तीसरी आघाड़ी देनी। जो अभी तक सत्ता कर चुके उन पे विश्वास करके हो गया, नई पार्टी आनी, नई पार्टी हम चुनना चाहते हैं। जी जी, धन्यवाद। हम भी वंचित आघाड़ी वाले। 11 तारीख को इलेक्शन है सर, वोटिंग करेंगे? हाँ बिल्कुल। कौन सी पार्टी? राष्ट्रवादी। वोटिंग हम तो, हमारी ड्यूटी है तो अभी बाद में करना पड़ेगा। बाद में कब करेंगे? तो बायलेट पेपर आएंगे ना हमारे यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार होनी चाहिए? अभी तो फिलहाल हम किसी के बारे में सोचते हैं। वोटिंग करेंगे? हाँ करेंगे। आपका उम्मीदवार या नेता कैसा होना चाहिए, जिसको आप वोट दे रहे हैं, अपना बहुमूल्य वोट देंगे आप, वो कैसा होना चाहिए? मैं नहीं बता सकता उसके बारे में। क्यों, आपने ऐसा सोचा नहीं कि काम होने चाहिए आपके या कुछ या कुछ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। तो सिर्फ वोटिंग करेंगे सिर्फ? तो कौन सी पार्टी के पक्ष में करेंगे? हम है अपनी जो अभी बाड़ा साहब ने निकाला पार्टी। बहुत धन्यवाद। 11 तारीख को इलेक्शन है सर, वोटिंग करेंगे? हाँ करेंगे ना। किस तरह के नेता ने आपके नज़र में कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, जो लोगों की युवा लोगों की कोई बात सुनना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए युवा लोगों को, और यह खेती के लिए जो ये उपाज निकलता है उसको रेट मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार इसके लिए प्रयासरत है? इसलिए यानी काश्तकार के तरफ ये ध्यान देना चाहिए, यानी नेता कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, किसानों का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। हाँ सॉल्व होना चाहिए। 11 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग करेंगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। किस तरह का नेता आप सोचते हैं अपने दिमाग में, जो क्षेत्र का विकास करे? तो क्या लगता है आपको कौन सी सरकार कर सकती है? मुझे तो लगता है कि मोदी सरकार के अलावा कोई दूसरी सरकार कर ही नहीं सकती। 4 साल का जो नतीजा है उसके से ये लगता है कि बस मोदी सरकार ही बेस्ट है। की शॉप है जी, तो आपको GST से कोई फर्क पड़ा? हाँ मैडम, धंधे के हिसाब से अगर सोचूँ तो धंधे तो चौपट है, लेकिन फिर भी हम मोदी जी को वोट करेंगे। धन्यवाद सर। चलिए सर, आप वोटिंग करेंगे? हाँ। किस तरह का नेता देखते हैं आप जीतते हुए? जीतते हुए भी कैसा है, भाई जी को तो होना ही चांस होना क्योंकि वो पद पे नहीं भी रहेंगे फिर भी वो जो काम नहीं हो सकता वो कर लेते हैं। पर उन्होंने बेल तो चालू नहीं किया पद पे नहीं रहने के बाद भी? चालू नहीं किया तो फिर भी बाकी के काम तो है ना, जो चालू था वो भी बंद हो गया। वो तो चालू करेंगे ना, फिर से कर सकते हैं क्या? उम्मीद हो सकती है ना जी, यानी उम्मीद है बदलना चाहिए कुछ भी, एक ही सरकार हर साल नहीं रहना। तो 70 साल से तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ही राज कर रही है,
अभी तो पिछले साल से वो पिछली बार से तो 5 साल को आप 70 साल में नहीं गिन सकते ना सर। हम वो कैसा है, हर किसी की नजरिया अलग अलग होती है। हमने यहाँ पे लोगों की प्रतिक्रिया जानी। अर्जुनी में बहुमत जो है वो राष्ट्रवादी की तरफ झुकता हुआ नजर आता है। लोगों का कहना है, यानी लोग मानना ही नहीं चाहते कि भाई जी उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनका अब भी ये कहना है कि भाई जी उनके बारे में ही सोच रहे हैं और वो अगर आए तो यहाँ का चेहरा बदल सकता है, यहाँ की हवा पलट सकती है। तो आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए, देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव। धन्यवाद। यह है लोकसभा क्षेत्र के जनता का हाल। उठ किस करवट बैठ पाएगा, इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव। MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप IG प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।